राइट मैसेज राइट कम्युनिकेशन कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज। मैं हूं प्रियंका। राजकीय तिब्बे कॉलेज अस्पताल पटना में आज कॉलेज का 96वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस स्थापना दिवस के अवसर पर कॉलेज के नाम पर डाक टिकट जारी किया गया। इस समारोह का संचालन डॉक्टर मोहम्मद तनवीर आलम ने किया। इस स्थापना दिवस को बहुत ही भव्य तरीके से मनाया गया। एक आईपीडी जो बन रहा है उसमें भी समारोह में मुख्य अतिथि रहे विशेष सचिव स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी घोषणा करते हुए तिब्बी कॉलेज को अपना 5 एकड़ का मॉडल बिल्डिंग बनाने की सहमति दे दी है। देखिए इस विशेष रिपोर्ट। स्पेशलाइज है 20 बेड उसको जेनेटिक केयर के लिए, जो कि फ्यूचर है मेडिसिन का आने वाले टाइम में। जेनेटिक केयर पे सर प्रोग्राम भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और सरकार बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है। कहते हैं कि मेडिसिन अगर बहुत ज़्यादा इवॉल्व करेगा तो प्रिवेंशन की तरफ चला जाएगा, क्योंकि टारगेट है वर्ल्ड का कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंटेबल डिजीज पे काम करें, ताकि डिजीज़ होने से ही बच जाए। अब तो आयुष्मान वेलनेस का कॉन्सेप्ट आ गया है, जो वेलनेस के सेंटर्स बन रहे हैं 18,500 सेंटर्स, जिसमें से बिहार बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, जिसके सेंटर्स अपने बन पा रहे हैं। सर उसमें एक चीज़ ऐड करना था, आप तो जानते ही हैं, बहुत बहुत प्रशांत जी का, चौधरी जी का शुक्रिया कि उसमें 90% से ज़्यादा बजट ट्रांसफ़र हो चुका है कॉलेज को। एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन जो आप लोग ने पढ़ा रखा है वो बहुत जल्द हमको मिल जाएगा। 90% से ज़्यादा बजट पहले ही ट्रांसफ़र हो गया। इस मामले में बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके ऑफिशियल्स का, आपके राइट्स में, कि तिब्बी कॉलेज के बजट्स बहुत आसानी से और वक्त से आ जाते हैं, ताकि हमारा काम वक्त पे हो जाए। और यही वजह है कि 15 करोड़ का एक बार मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है, अदरवाइज़ कई सेक्शंस में मिलते हैं। और कोविड पेंडेमिक नहीं होता तो आज तक हम उसमें ये प्रोग्राम कर रहे होते, ये टारगेट काम होता है। इन सब बातों का फ्यूचर वाकई प्रिवेंशन का है, ना कि सिर्फ इसलिए कि डिजीज़ ही ऐसी हो रही है ज़्यादा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में डायबिटीज़ है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, ओबेसिटी है, 70% इसका हिस्सा है। और सरकार आयुष को इसलिए आगे बढ़ा रही है कि ये प्रिवेंशन में बहुत अच्छा है। तो फ्यूचर हमारा है, घूम के चीज़ें हमारे तक आ रही है। और सर ने जैसा कहा कि ये हमारा टर्न है, हम किस तरह उसको टर्न दे रहे हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, ह्यूमन रिसोर्स की बात है, उस पर तो बहुत ज़्यादा उसमें काम हो ही रहा है। और सर ने एक बात की क्वालिटी के लिए, जो एक टीचिंग असेसमेंट का है, किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट की वजह बढ़ने की यही होती है कि उसको फीडबैक उसका सही से दिया जा सके। सर ने झारखंड की बात कह भी दी, शुक्रिया। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कंटिन्यू रहेगा। ये आज का सेशन जो गेस्ट का सेशन था वो लगभग ख़त्म होता है। मुझे लगता है कि कोविड में प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए हमने एक हेल्दी सेशन रखा इंट्रैक्शन का। इसमें सर का शुक्रिया और सारे गेस्ट जो यहाँ पे आए। बाज़ाब्ता मैं कॉलेज के जो हमारे सुपरिटेंडेंट हैं प्रोफेसर तौहीद के भी हिसाब से, उसको मैं गुजारिश उनको गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ लाएँ। और वोट ऑफ थैंक्स प्रिंसिपल साहब हैं और आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हैं, उन्होंने बहुत विस्तार से किस तरह से अंग्रेज़ों के साथ में जद्दोजहद करके इस कॉलेज को स्थापित करवाने में किन किन लोगों का योगदान रहा, कितने मुश्किलों से इस कॉलेज की स्थापना हुई, और उधर से ये कॉलेज 96 साल के बाद में आज इस स्थिति में आपको मिला है। तो जब भी आप कभी इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास से आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, कैसे कैसे लोगों ने कुर्बानियाँ दी, कैसे कैसे स्ट्रगल किया ताकि आपकी ज़िंदगी और बेहतर हो सके, आपके बच्चों को ज़्यादा अच्छी तालीम मिल सके, और किस तरह से हम जो जनमानस है उसको अच्छी जो हेल्थ सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करा सकें। तो आपका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हालांकि बहुत सारे लोगों ने वो दौर नहीं देखा जो इतिहास में अभी बताया गया, लेकिन आप भी इतिहास का एक हिस्सा हैं। और यहाँ पर जितने लोग 84, 85, 86 में अपॉइंट हुए, उन्होंने ऑलमोस्ट 30-35 साल की अपनी सेवा, अपना जीवन इस कॉलेज को दिया। और अभी हमारे बीच में कुछ नई फैकल्टी भी आई है, वो भी अब हमारे कॉलेज से जुड़े हुए हैं, इस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं। तो ये अभी जो दौर आप देख रहे हैं ये एक चेंज का दौर है। आप सब जान रहे हैं कि विगत कई वर्षों से आयुष प्रक्षेत्र में उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था, कारण बहुत सारे हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब सरकारें इसकी और बहुत गहराई से देख रही हैं और इसको कैसे आगे बढ़ाएं इसके लिए पूरा जोर लगा रही हैं। अभी आपने थोड़े दिन पहले, हफ्ता पहले ही देखा होगा कि
माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नेशनल आयुष मिशन को 2026 तक एक्सटेंड कर दिया। नेशनल आयुष मिशन 5-5 साल के लिए एक मिशन के दौर में चलता है, तो उसका एक्सटेंशन प्राप्त हो गया है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि सरकार कटिबद्ध है कि जो इन्वेस्टमेंट और जो फोकस इस सेक्टर को मिलना चाहिए वो देने के लिए तैयार है। आपने ये भी सुना होगा कि मेडिसिनल प्लांट्स के लिए भी 4,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और इस क्षेत्र को भी बढ़ाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। तो ऐसे में जब सरकार की तरफ से एक पॉलिसी स्टेटमेंट, एक बजटरी सपोर्ट आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, तो सरकार अपेक्षा रखती है कि उसी सरगर्मी से आप लोग भी सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार का जो उद्देश्य है ये योजनाओं को लाने का, उसको आगे बढ़ाएं। तो कई साल तक बीच बीच में दौर आता है जब सरकार ध्यान नहीं देती है। कई बार आता है कि आप खुद अपने पर्सनल रीजंस के कारण कुछ जितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब मौका मिलता है और सारी चीज़ें अभी फेवरेबल हैं, तो इस विधा को, इस चीज़ को आगे बढ़ाना हम सबका दायित्व है। जैसे मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पे, तो मैंने देखा था, मैं यहाँ आपके कॉलेज में भी आया था, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में भी गया, तो मैंने यहाँ की समस्याओं को समझने की कोशिश की और वो समस्याओं को दूर करने के लिए एक दूरगामी नीति पे काम करना शुरू किया। बहुत समय लगा, लारी साहब हमारे साथ थे, हमारे पास एक आंकड़ा नहीं था निदेशालय में, वो आंकड़े इकट्ठा करने में हमें, कितनी बार मैं आपके कॉलेज में भी आया, बहुत सारे लोगों को डांटा भी, लेकिन उद्देश्य सिर्फ ये था कि किस तरह से जो मिनिमम जानकारियां हमारे पास होनी चाहिए जिससे कि हम इस कॉलेज के विकास के लिए दूरगामी कार्य कर सकें। अब बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं और वो विभिन्न चरणों में, विभिन्न फेजेस में, अप्रूवल के स्टेजेस में आ चुके हैं। आपकी बिल्डिंग्स के लिए मुख्यतः दो तरह के चीज़ें आपको चाहिए, एक है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को कैसे हम लोग आगे बढ़ाएं और दूसरा है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आगे बढ़ाएं। शुरुआत में, उसके बाद में जो अभी पहले तो ये है कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं हम तो वही नहीं पूरा कर पा रहे हैं। अभी आपके बहुत सारे और समस्याएं हैं, जैसे अभी हम इस कमरे में क्यों खड़े हैं, क्यों हमारे पास एक बढ़िया हॉल नहीं था, क्यों इस तरह की मीटिंग्स करने की ज़रूरत, इस तरह से छोटे से जगह पे करने की ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहले है कि जो एक मेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम लोग पूरा करें, तो उसके लिए हम लोग काफ़ी कामयाब हो गए हैं। आपका एक बढ़िया सा इंफ्रास्ट्रक्चर साइड में बन रहा है, उसमें थोड़ा सा कोरोना के कारण विलम्ब हुआ है, लेकिन हम लोग इंश्योर करेंगे कि वो अपनी टाइमलाइंस के ऊपर उसको पूरा करें। दूसरा, आपका जो इसी कॉलेज की छत के ऊपर एक और कुछ एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट थी, उसके ऊपर भी DPRs बन करके आ गए हैं और उसके लिए फंडिंग, कुछ पार्ट फंड मेरे पास है, कुछ पार्ट फंड मेरे पास नहीं था जिसके कारण वो अभी सैंक्शन नहीं हो पाया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो भी मैं आपको सैंक्शन करा के दे दूँगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ तक आपके कॉलेज का है वो हम लोग चाहेंगे और प्रयास कर रहे हैं कि आपको उसमें, उसके बारे में सोचना ना पड़े, तब आपके पास रहेगा कि अब आपको जो डिलीवरेबल्स देना है वो आप दे पाते हैं कि नहीं। अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने सरकार के स्तर पे काफ़ी सारी चर्चाएं की कि आपका जो मिनिमम मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपके कॉलेज में हम लोगों ने पिछले साल आप जान ही रहे हैं कि 40 से 125 सीट्स आपके UG में और PG में भी 6 सब्जेक्ट्स में पढ़ाई शुरू करवा दी है, उसके कारण बहुत सारे एडिशनल फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है और उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग उसके ऊपर नहीं लगे हुए हैं, उसके ऊपर भी काम चल रहा है और इसमें अगले हफ्ते आपको कुछ अच्छी न्यूज़ भी इसमें मिलेगी। जब तक वो नहीं हो जाता मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो जितने लोगों को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं उनको प्रमोट कर दिया जाए और जो क्लियर वैकेंसीज हैं उसको हम लोग जल्द से जल्द भर दें, ताकि यहाँ पर जो भी हमारे स्टूडेंट्स आए हैं उनको ये निराशा ना हो कि हमें पढ़ाने वाला कोई नहीं है। और उसके लिए जो भी संभव हम लोगों के स्तर से हो रहा है, हमारी पूरी टीम जो आयुष की है वो बहुत इस बारे में सजग है और ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जब हम इसको आगे बढ़ाने में काम नहीं कर रहे होते हैं।